Wow. What a film, man. What a film. This film deserves all the accolades, yaar. Isko Oscar bhejo. Gadhe log, tum log achche film ko Oscar bhejte nahi ho. अव्वल दर्जे के गधे हैं हमारे जो ऑस्कर्स में भेजते हैं ना उन लोगों को पता नहीं है और नहीं भेजेंगे तो मैं तो बोल रहा हूँ वील नेवर ब्लडी विन एन ऑस्कर इन नाउ इन द सेंचुरी. तो यार क्या परफॉर्मेंस है यार, क्या स्टोरी है, क्या स्क्रीन प्ले, क्या क्या आई मीन सुपर एक सुपर हीरो हीरो लाइक ऋतिक रोशन, उसको उससे जो काम निकाला गया ना ऐसा लगेगा यार वो कोई ऋतिक रोशन नहीं है, वो आपके सामने लगेगा really he is Anand Kumar. क्या performance है, क्या dialogue delivery है, screen play, background music, कुछ गाने हैं and the entire story, the concept and the climax. अरे wow, दिल जीत लिया यार, दिल जीत लिया, कसम से बोल रहा हूँ दिल जीत लिया. ऐसी फिल्म मैंने 40 साल से मैं फिल्में देख रहा हूँ, पागलों की तरह मैं फिल्में देखता हूँ कि मुझे बहुत मज़ा आता है. एंड यार this should be one of my best films I've ever watched. Tell me, and any critic, any gadha critic giving any point one less also than 5 out of 5, usko to bolna yaar tu critic banna hi nahi, lanat hai. Aise film ko agar 5 ke niche agar koi bhi deta hai na usko bolna lanat hai, chhod de tu critic banna, chhod de. To Suraj bhai, finally apne dekhi super 30, super 30 kaisa laga aapko movie? Super 30 इज डूपर फट्टे 60, एकदम धमाका, एकदम धमाका. मतलब पहली बात तो वर्ल्ड सेक्सीस्ट मैन ऐसा पिक्चर कर रहा है, वहीं आप चक्कर में आ जाओगे. और फिर उसके बाद इनका परफॉर्मेंस देखोगे ना, आप इनके चक्कर में पड़ जाओगे, आप ऋतिक के दीवाने हो जाओगे. लाजवाब यार, एकदम धमाका, एकदम मजा. इन्होंने इतने साल बाद वेट करने के बाद 2.5 साल बाद ऐसा जैकपॉट, ऐसा जैकपॉट, मतलब मज़ा आ गया. सेकेंड हाफ लेंदी है बट मजेदार है, आप स्क्रीन छोड़ने ही नहीं चाहोगे, आपको देखना ही है. सर कैसी लगी पिक्चर भाई, कैसी लगी पिक्चर? का बेटा रहने बनेगा सर, कैसी लगी पिक्चर? सुपर सर, कैसी लगी पिक्चर? कैसी लगी पिक्चर? बहुत बहुत अच्छा लगा पिक्चर. पिक्चर में ये मतलब जो पंडित लोग हैं दबा के रखे छोटे को, ये बहुत कर दिया यार, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था. और एक तो नॉलेज के बारे में था, मैथमेटिक्स के लिए था, तो हम जैसे स्टूडेंट्स लोग को तो बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लगा यार. ऋतिक रोशन की एक्टिंग ही देखने तो आया था मैं, बहुत अच्छी थी. कोई डायलॉग याद है पिक्चर में से? अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा. सर कैसी लगी पिक्चर? जबरदस्त. सर कैसी लगी पिक्चर? जबरदस्त. सर कैसी लगी पिक्चर? सर कैसी थी मूवी? सुपर 30 कैसी लगी? एकदम सुपर, एकदम सुपर. मूवीज आउटस्टैंडिंग, सबको देखनी चाहिए मूवी. मतलब इंस्पिरेशन मूवी है सर, मतलब सबको मोटिवेट करती मूवी. स्पेशल बच्चों को सर, मतलब पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स को देखनी चाहिए मूवी. अच्छी मूवी है, मतलब एजुकेशन के बारे में सर, इंस्पायरिंग मूवी है. मतलब कैसे गरीब बच्चे लोग को पढ़ने के चांस नहीं मिलता है, तो उनको कैसा मतलब कोई इंसान इंस्पिरेशन देता है, उनको कैसे आगे लेके जाता है. उसको एक्टिंग वाइज सर सुपर आउटस्टैंडिंग सर, ऋतिक रोशन बेस्ट परफॉर्मेंस दिस मूवी. आपको कैसी लगी मूवी? मस्त है. सुपर 30 क्या था, मतलब अच्छी है, ऋतिक रोशन काम अच्छा है. बेस्ट सुपर मोटिवेटिंग मूवी, बेस्ट. ही नेल्ड इट, मस्त पिक्चर है. अच्छी है, बहुत अच्छी, फैबुलस एंड हार्ट टचिंग मूवी. 100% ब्लॉकबस्टर, सुपर हिट. बहुत अच्छी लगी मूवी मुझे, ऋतिक रोशन की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी मुझे, और ऋतिक रोशन की हीरोइन की भी अच्छी थी, मुझे बेस्ट लगा. 5 का 5 स्टार दूंगा मैं. सर कैसी लगी पिक्चर? दोस्त कैसी लगी पिक्चर? काफ़ी अच्छी है भाई. 5 में से कितना स्टार दोगे सर? मिनिमम. सर कैसी लगी पिक्चर? मैम कैसी लगी पिक्चर?
मजा आई एकदम, बहुत अच्छे लगे, सुपर सुपर 30। अरे सबीर पूरा सुपर 30 एकदम बेस्ट, सो एकदम सुपर आउट ऑफ 5 5 बहुत एकदम सुपर, वेरी नाइस पिक्चर, 9 आउट ऑफ 10 क्या था सुपर 30 में? इट इज अबाउट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, कोई डायलॉग बन जाओगे, अच्छी पिक्चर, सुपर मूवी, सुपर एक्टिंग सर, जो इंस्पायर करने वाली जो मूवी है एक्चुअली जो पढ़ना चाहते हैं उसके लिए काफ़ी अच्छी थी, और डायलॉग राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा वही बनेगा जो अवतार होगा, ऑसम, बहुत अच्छी, क्या बोलूं सर, कैसी लगी पिक्चर? सब ठीक ठाक, सब ठीक ठाक, क्या बात है, अरे राजा अलग अलग, कैसी लगी पिक्चर? मस्त पिक्चर था, बहुत मस्त सर, कैसी लगी पिक्चर? बेस्ट, अब तुम नहीं उतरोगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, कैसी लगी पिक्चर? बेस्ट मूवी, कोई है अंदर? कोई नहीं, अंकल आया भी नहीं, रुक जा आओ, अंकल है ही। तो क्या राजा का बेटा राजा बना कि नहीं? देखिए जो सच्चाई पे आधारित पिक्चर था, आज पहली बार ये पिक्चर देख के जो है बहुत मुझे गर्व हुआ, और कुछ ऐसे फीलिंग हुए कि मुझे रोना भी आ गया कि ऐसे भी अपने देश में कोई शख्स था कि वो इतने मुकाम तक, मतलब है देखिए एक प्रोफेसर जो है कहाँ से कहाँ तक जाता है, आज तक मैंने भी 10वीं तक पढ़ाई किया, मुझे ये नहीं मालूम था कि अपने माँ बाप लोग और इस तरीके से पढ़ाई करके इतना लंबा तक जाते हैं, आज जो है ये सच्चाई पिक्चर ये स्टोरी पर ये आधारित पिक्चर जो है पहली बार इतने सालों से मैं देखा, ये पहली बार ऐसी पिक्चर एक बनी है जो कि दिल को लगा, और मतलब पूरे लास्ट तक मतलब इसके बाद क्या होने वाला है कैसा है ऐसा है, और इसमें ऐसे मतलब ये है कि दिखाया गया है कि मतलब अगर आदमी का पैसा नहीं है तो नहीं पढ़ा सकता है, लेकिन ये प्रोफेसर ये ऐसे ऐसा उनकी कहानी है कि इसमें बताया गया है कि उन्होंने मतलब दो दो दिन खाना ना रहते हुए भी उन्होंने पढ़ाया, और वो बच्चे लोग इस काबिल पहुँचे कि आज भी जो है आसमान छू रहे हैं। तो सर कैसी लगी सुपर 30 आपको? सुपर 30 बहुत बेहतरीन फिल्म है, और यूपी बिहार एमपी इस तरफ ऐसा होते रहता है, जो पढ़े लिखे रियल में रहते हैं उनको पीछे कर दिए जाते हैं, और कोचिंग क्लासेस वाले जल्दी एडमिशन नहीं देते हैं, जो वहाँ हो रहा है वही इसमें दिखाया गया है, और ऋतिक रोशन का काम बहुत बढ़िया है, और जो हीरोइन है उसका भी काम बहुत बेहतरीन है। जो पढ़े लिखे सीखने लायक यही है कि जो पढ़े लिखे बच्चे हैं जो उनके साथ होती है नाइंसाफ़ी वो इसमें दिखाया गया है, और हकीकत में ऐसा होता है, मैं खुद यूपी से हूँ हमको पता है, एजुकेशन को धंधा बना दिया है। यस हर जगह इसे हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है, एमपी में हो रहा है, यूपी में हो रहा है, बिहार में हो रहा है, हर एक जगह झारखंड हो रहा है, वो इसमें दिखाया है। अनंत कुमार के ऊपर से जो फिल्म बनी है वो बहुत बेहतरीन, और ऋतिक रोशन से ये है कि साल में एक फिल्म ऐसे दिया करें। तो वो डायलॉग भी है उसमें, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। हाँ हकीकत है, और ऐसा होता ही है ना भाई, और उन्होंने जो डायलॉग मारा और लास्ट में करके दिखाया ना, कुछ कुछ सीन ऐसे हैं जो एकदम दिल के छू लेने वाले हैं। तो कौन से ऐसे कौन सा एक सीन अगर आप बताना चाहो जो आपको बहुत पसंद है? बहुत पसंद यही है जब वो लोग का रिजल्ट आया रहता है, और वो सब बच्चों को बोलता है कि अपने माँ बाप को याद करो, ऐसे तो पब्लिक ऑल ओवर इंडिया में हर जगह काम धंधे में बिजी रहती, दिन भर में कभी माँ बाप को याद तो करते नहीं, हम लोग भी नहीं करते हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन बट वो सीन ऐसा लगा कि हकीकत में अपने माँ बाप को याद आ जाते हैं, वो थोड़ा बहुत बढ़िया लगा। 5 में से कितना 4 देना चाहता हूँ, और पहली बार ये देखा जाए कि इतना मैं ऋतिक रोशन का पिक्चर देखा, लेकिन ये फर्स्ट टाइम ऐसा जो है एक्टिंग, और ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता था कि ऐसे ऋतिक रोशन ऐसे भी एक्टिंग कर सकते, सोचने वाली बात है। हाँ हाँ ये जो है ये हटके एकदम सबसे बेस्ट है, और देखना देखा जाए कि ये पिक्चर को जितना भी अवार्ड दे और जितना भी कुछ भी दे कम है, क्यों ये सब पिक्चर जो है हर एक प्रोफेसर का जो है हर एक जो है एंगल से हर एक तरीके से मतलब एक जो है आज जो है हम लोग हर एक बस पे देखो इस पे देखो प्रचार देते हैं कि 14 साल के लड़के लोग को नहीं पढ़ाना चाहिए, लेकिन ये नहीं सोचते कि उनके पास पैसा है कि नहीं है, क्यों मजबूरी से वो कोई ऐसे नहीं काम करते, मजबूरी से काम करते, तो इसमें उस मजबूरी से निकल करके वो शख्स जो है प्रोफेसर जो है पढ़ाए तभी भी उसको फाइट करते कि मत पढ़ाओ, राजा का लड़का राजा ही बनेगा ऐसा करके वो पढ़ाने को बोलते हैं, लेकिन वो शख्स जो है गोली खाने के बाद भी ये किया। और रहेगी दूसरी बात,
कि इसका जो है ये पिक्चर जो है हर एक फैमिली को, हर एक जो है कोई भी हो, बड़ा हो या छोटा हो, मैं तो ये चाहूँगा पूरी फैमिली को बैठ के ये पिक्चर देखना चाहिए। जो नई भी लड़का है ना, भले एक दिन नहीं कॉलेज और स्कूल जाएगा, ये पिक्चर दिखाना चाहिए। क्यों? तब वो लड़का जो है अगर घूम रहा होएगा तो लड़का नंबर वन बनेगा। ये पिक्चर में ऐसी बताए जिसने भी ये बनाया, मैं तो बोलता हूँ, मैं तो मेरा उसने सलूट करता हूँ, मैं मेरा उन्होंने दिल छू लिया। और मैं ये भी बोलूँगा कि ऋतिक रोशन को बोलूँगा कि आपका सबसे इतना पिक्चर आपने क्रिस ये सब बनाया, मैं तो बोलूँगा आपका सबसे अच्छा बेस्ट पिक्चर ये है। और मैं यही चाहूँगा कि हर एक इंडिया का हर एक आदमी, हर एक व्यक्ति, चाहे प्रोफेसर हो चाहे हो, सिर्फ यही है कि जो शिक्षा मंत्री बोलते हैं, कोई भी मंत्री बोलते हैं, इसके अंदर ऐसा बताया गया है कि जब उसे अवार्ड दिया जाता है तो उसको कुछ प्रोमोट किया जाता है कि हमारा दरवाज़ा सबके लिए खुला आ जाइए। तो उनको जो है जब इंग्लैंड जाने के लिए कैम्ब्रिज में एंट्री मिलता है तो कुछ पैसा कम पड़ता है, तब जाते हैं तो वहाँ पे तो शिक्षा मंत्री जो है उसको नाकार देता है। तो हाँ, तो ये जो है कमी जो है, तो मैं यही चाहूँगा कि अपनी जो भी नई सरकार है, जो भी योजना बना रही है, हमारे जो बच्चे लोग आगे जाना चाहते हैं, जो भी है, चाहे अगर कुछ प्रोफेसर लोग पढ़ाना चाहते हैं और कुछ गरीब लोग को ये करना चाहते हैं, तो मैं यही चाहूँगा कि वो मतलब आनंद जैसा मतलब ये करे, लेकिन वो भी करे कि कोचिंग करके और गरीब बच्चे लोग को पढ़ाए और आगे करे और अपना देश आगे जाए ऐसे ही। और हम लोग जो बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर गरीब रहे तो उनका क्या हाल होगा। तो मैं यही चाहूँगा कि गवर्नमेंट हर तरफ से मदद करे और आगे बढ़े। और ये पिक्चर को अवार्ड जितना भी दिया जाए कम है, 5 में से 5 दूंगा और ऋतिक रोशन को भी 5 दूंगा सबसे जब। हाँ, सलूट करेंगे इस पिक्चर को। ओके, तो सर कैसी लगी सुपर 30 मूवी? यही शो करती है कि मैथमेटिक्स है ना, हर जगह पे मैथमेटिक्स है, ये मूवी यही शो करती है। क्योंकि हम लोग ऐसे बंदे लोग क्या बोलते हैं कि आधी ज़िंदगी मैथ्स ने खराब की है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है को जो हर मतलब ज़िंदगी बदल भी सकती है। मतलब आप अकाउंट्स लो, बैंकिंग में जाओ, मैनेजमेंट में जाओ, आईटी में जाओ, हर जगह आपको मैथ्स दिखाई देगा, आपको मैथ्स सपोर्ट करेगा। और जो मैथ्स के प्रोफेसर है हमारे आनंद कुमार, जो उनकी एक्टिंग कैसी लगी? बाप रे, ऋतिक रोशन की बात करें तो मुझे ना कोई मिल गया कि झलक दिखाई दी इसमें, कोई मिल गया कि थोड़ी थोड़ी झलक दिखाई दी। ऐसा रोहित का काम वैसा मेरे को ऐसा थोड़ा थोड़ा झलक दिखाई दिया, लेकिन एक्टिंग वाइज ओके। मतलब इतना ग्रो मतलब ग्रो नहीं किया इतना, पर ठीक था, एक्टिंग वाज ओके। मतलब एक्टिंग के बारे में बताएंगे तो एक्टिंग वाज ओके था। हाँ, बिहारी वाला एक्सेंट था, लेकिन इतना वो इम्पैक्टफुल नहीं लगा उनके एक्टिंग में। थोड़ा मुझे एज पर्सनली बताने गए तो थोड़ा इम्पैक्टफुल नहीं लगा मूवी को। लाइक मूवी इतना एक्सप्लेन करती है कि लाइक मतलब जैसे मैथमेटिक्स लोग रहते हैं ना, वो लोग बोलते हैं कि ज़िंदगी ख़राब करती है मैथमेटिक्स में कुछ नहीं, लेकिन ये मूवी में ना क्लाइमैक्स है ना, क्लाइमैक्स में मैथमेटिक्स है। मतलब क्लाइमैक्स ऐसा शो ग्रो करते ना, ऐसा मैथमेटिक्स बढ़ जाता है और ऐसा समझ में आता है कि हाँ यार ऐसा कुछ मिक ऐसा कुछ तो रहता है। क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में पाइथागोरस थ्योरम, अलजेब्रा, ज्योमेट्री वो हम लोग दिमाग के ऊपर जाता था, लेकिन अभी ये देख के मतलब मैं टोटली नेल्ड हो गया, मतलब पैसा पूरा वसूल होगा मेरा आज। थैंक यू। और कैसी लगी सुपर 30? y-1 = x-61। मैं सीखा आज IIT का फॉर्मूला, IIT का एक फार्मूला है। मैं मतलब ऐसे फिल्म को आप डिस्करेज कर ही नहीं सकते। मैं आमतौर पे इतना मैं हार्शली नहीं बोलता हूँ, मगर ऐसे फिल्म के लिए अगर कोई ऐसा करेगा ना तो मैं तो अभी बोलता हूँ, ऑडियंस को बोलता हूँ, बिल्कुल उसके बात पे भरोसा नहीं मत करो। एंड ऐसी फिल्में शुड बी स्क्रीन एवरीवेयर। आप गाँव में स्क्रीनिंग करो, स्कूल्स में स्क्रीनिंग करो, यूनिवर्सिटीज़ में स्क्रीनिंग करो, फिर बाद में आपके IITs में स्क्रीनिंग करो। You know, there should be an awareness. There's something known as RTE, Right to Education. People don't know. I've been associating with many educational institutes. मुझे मालूम है 1/4 of the quota RTE के लिए होता है, हम लोगों को मालूम ही नहीं है। हम लोग अपने घर के जो जो ड्राइवर है या हमारे घर में जो मेड है, उनके बच्चों को वो जा रहे, उनको अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन नहीं मिल रही है। कोई भी स्कूल में जाके आपको RTE का आपको फैसिलिटी मिलती है विदाउट पेइंग अ सिंगल पैसा फी। यू गेट योर स्टूडेंट्स कैन गेट, दिस इज अ मैसेज आई वांट टू गिव, इट्स एन इन्फॉर्मेटिव मैसेज। ओके, द मैसेज ऑफ द फिल्म इज डिफरेंट, दिस इज एन इन्फॉर्मेटिव मैसेज। तो टेक देम यार, टेक देम। अगर बेचारा कोई रिक्शा वाले का बेटा अगर आर्किटेक्ट या डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनता है, या जो बेचारी हाउसकीपिंग जो कचरा उठाती है उसका बेटा अगर ये नहीं बनता है, या डॉक्टर इंजीनियर आर्किटेक्ट नहीं बनता है, तो लानत है हमारी देश पे। तो हमारी देश माने में
तरक्की तब करेगी जब इनके बच्चे, क्योंकि इनमें ना वो हंगर होता है कुछ करने का, कुछ हाँ, देल बी बेटर डॉक्टर्स, बेटर इंजीनियर्स, बिलीव मी, देल बी बेटर डॉक्टर्स, बेटर इंजीनियर, बेटर आर्किटेक्ट्स, अगर उनको थोड़ी सी अगर आप सहूलियत दो तो. हाँ, यस, एंड देल डू एनीथिंग फॉर दिस कंट्री, ट्रस्ट मी यार. उनको उनको बढ़ावा दो, और हम लोग बढ़ावा नहीं देते, ये हमारी सोसाइटी की बदकिस्मती है. हम लोगों को सिखाया नहीं जाता है कि औरों का एटलीस्ट कुछ तो भला करो यार, आप खुद के लिए तो बहुत कुछ करते हो, थोड़ा बहुत तो सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करो. तो ये एक तरीका है, लोगों को बढ़ावा देना चाहिए. और मुझे इतना भाया ना यस की, और उसमें एक डायलॉग है, मैं वो बोलना नहीं भूलना चाहता. इन्होंने खड्डे खोदे अपने लिए, चिकनी सड़कें बनाई है, तो खड्डे इतने गहरा खड्डा है कि उतनी लंबी अपने को छलांग मारने का मौका मिलेगा. तो विल बी अ बेटर डॉक्टर, यू विल बी अ बेटर इंजीनियर, डन डन, डोंट वरी. क्या इंस्पिरेशन है यार, क्या डायलॉग्स है. हाँ, वही 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 राजा का बेटा हमेशा राजा बनना चाहिए. ये कोई रूल नहीं है, कोई गीता में ऐसा नहीं लिखा है, कोई होली बुक में ऐसा लिखा ही नहीं है कि राजा का बेटा का ही हक है राजा बनने का. जो हकदार है, जो मेहनत करके एक मौका हासिल करने का जिसका हक है, उसको ही राजा बनना चाहिए. वाह, क्या क्या एक एक डायलॉग्स है. हाँ हाँ, एजुकेशन नहीं नहीं वो चलने दो, मगर अपलिफ्टमेंट ऑफ डाउनट्रॉडन, जो अंडरप्रिविलेज्ड है, उनको मदद करो. उनको मदद करोगे तो देखो ये स्वर बन जाएगा अपना कंट्री, अपना देश. अरे, और मैं मुझे पता नहीं था कि उनके ऊपर अटैक्स हुए यार. कौन लोग ऐसे ऐसे बेवकूफ लोग हैं जो अटैक्स करते हैं ऐसे लोग है? यार भगवान है वो हमारे देश के लिए, दे आर, ही इज अ गॉड, आई एम टेलिंग यू, ही इज द एक्चुअल हीरो ऑफ आवर कंट्री. आप हम लोग ये स्क्रीन वाले हीरोज को हीरो बोलते हैं, एक्चुअली ये हीरो है आनंद कुमार जी, इज अ हीरो ऑफ आवर कंट्री. तो ऐसे कई और हीरोज मिलेंगे आपको. सुपर डुपर मेगा हिट इन माई व्यू. अभी चले ना चले, बेवकूफ लोग देखे ना लेके, मेरे हिसाब से आप देखो, बहुत मजा आएगा. You will be a better human being. I guarantee you this much. Anyone seeing this movie, you will be a better human being. It will touch you here. आपको यहाँ छुएगा, है ना? तो thank you. Take care, ma'am. आपको देखना ही है. उनका accent कैसा लगा, जैसे वो भोजपुरी में? अब accent उनका देखा जाए ना कहीं छुटता है. मतलब overall तो आपका ऋतिक दिल जीत ही लेंगे, पर कहीं ना कहीं आपका liver kidney सुखा देंगे, क्योंकि वो accent match ही नहीं होता है. एक्सेंट मैच ही नहीं होता वो, जो बिहारी, हम लोग भी यूपी बिहार से, तो हम लोग का भी वो एक्सेंट हमें पता है, तो वो मैच नहीं होता है वो ऋतिक का. बट वो आप नज़रअंदाज कर दो, क्योंकि इतनी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस है ओवरऑल देखोगे ना, तो वो आप नज़रअंदाज कर दोगे. उनके साथ पंकज त्रिपाठी भी है. पंकज त्रिपाठी तो मान लो एक चार्जर है, उनको देख के ऑडियंस चार्ज हो जाते. मतलब वो बंदा कोई भी रोल करे, सबको मालूम है कि आप हंसने का तैयारी करना पड़ेगा, सब हंसेंगे लोटपोट एकदम. क्या टाइमिंग एंड क्या ह्यूमर है, एकदम मज़ेदार. क्या ह्यूमर है, ज़बरदस्त. क्या है सुपर 30 में, अगर ऑडियंस को बताना? देखो, अभी बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम पता ही है, मैं तो बहुत पहले भी बोल दिया था अपने रिव्यू में कि एजुकेशन से बड़ा धंधा कोई नहीं है, ये यहाँ पे प्रूव है. आप थिएटर में जाओ, आपको मालूम पड़ जाएगा कि सबसे बड़ा हिंदुस्तान में धंधा क्या. एंड इस धंधे को ऐसा पिछवाड़े पे लात मारा ना कि पिछवाड़े के चार भाग हो गए, सीधा चार भाग हो गए, ऐसा लात मारा है, बहुत ज़बरदस्त. एंड आनंद कुमार जैसा बंदे पे स्टोरी बनाया, तो ऐसी स्टोरी निकालो और लाओ, हमें चाहिए हक से. बोलो, बहुत मज़ा आ गया. बहुत हमें वो सब नहीं चाहिए कि राजा का बेटा राजा बनेगा, राजा कैसे बन रहा है, वो राजा का बेटा राजा बने या घोचू बने, हमें कोई लेना देने नहीं. जो हकदार है, जिन्होंने इतना मेहनत किया है, कैसे बना, उनको देखने में मज़ा आ गया. थिएटर में तो सब घुस रहे, अमीर गरीब जो भी रहे सब घुस रहे, सब तो इन्जॉय कर रहे, टोटल इन्जॉय कर रहे. अमीर लोग को कहीं ना कहीं थोड़ा शर्मिंदगी फील हो रही है, बट गरीब लोग को प्राउड फील हो रहा है, एकदम प्राउड फील. थिएटर में नंगा नाच कर रहे, एकदम टोटल नंगा नाच कर रहे. पिक्चर का बेस्ट सीन ये था कि अब अगर मैं आपको एजुकेशन IIT वगैरह सिखा रहा हूँ, हालांकि मैं BCom, MaryCom.com करने वाला बंदा हूँ, तो IIT वाला सिखा रहा था, तो मेरे को कुछ नॉलेज नहीं था. लेकिन IIT कैसा यूज़ हुआ, वो लोग एक क्लाइमेक्स में फाइटिंग वगैरह करते, वो कैसा यूजेज दिखाया, उधर ही तो एकदम आग लग जाता है, एकदम मज़ा आ जाता है कि यार मतलब क्या यूजेज दिखा दिया इसे. उधर ही ऐसा लगता है कि ऑडियंस रोई भी, हंसी भी एंड प्राउड भी फील हो गया, एकदम मज़ा आ गया. सॉन्ग्स कैसे? सॉन्ग्स अच्छे. एक कोई होली का सॉन्ग है जो, हाँ, बसंती, नो डांस, नो डांस, वो अच्छा था गाना.
बट इसका बैकग्राउंड म्यूजिक कॉमन ही है, वो आप जीरो का देख लो, आप बैकग्राउंड म्यूजिक धड़क का बैकग्राउंड म्यूजिक देख लो, दोनों सिमिलर ही है। ऐसा लगेगा कि धड़क और जीरो में बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो पापड़ है और सुपर 30 में जो डाले वो मसाला पापड़ है, लेकिन पापड़ आपको मिल रहा है बट थोड़ा सा मसाला घुमाया ऐसा है। तो ये आपको बैकग्राउंड म्यूजिक में बैकग्राउंड म्यूजिक और स्ट्रांग हो सकता था। अभी उसमें जो गाना है अनस्टॉपेबल नाउ, वो डाला ही नहीं पिक्चर में, वो डालना चाहिए था। आप मानोगे नहीं, एक बच्चा था बहुत आलसी था, मैंने उसको वो गाना सुनाया अनस्टॉपेबल नाउ, वो साला और आलसी हो गया क्योंकि इंग्लिश में था ना गाना, बट उसको मज़ा आ गया सुन के। ये गाना अगर इधर लगाते थे ना जब वो लोग तैयारी करते एग्ज़ाम एग्ज़ाम के, तब ऑडियंस तो मोटिवेट होती थी, वो लोग भी मोटिवेट होते थे और अमीर लोग मोटिवेट लेके चले जाते थे। कंटेंट आ रहा है 2.5 साल बाद इतना धमाका कंटेंट आया तो मतलब मज़ेदार है, एकदम मस्त बोले तो। सेकेंड हाफ लेंथी है बट फिर भी आपको उठने का मन नहीं कर रहे, देखने ही आपको, क्योंकि वो सब चीज़ आपने देखा बहुत कम है ना इसके लिए। अच्छा वो अंकल कुछ कह रहे थे कौन ये ऑस्कर देना चाहिए मूवी को, क्या लगता है आपको? क्या ऑस्कर ये फिल्म को? अब ऑस्कर लायक तो ये साल बहुत सारे फिल्म है, ऐसा इतने आसानी से ऑस्कर क्या ऑस्कर मिलेगा? इधर तो पॉपकॉर्न ढंग का नहीं मिलता है, इधर ऑस्कर कौन देगा? बट डिजर्विंग है, नेशनल अवार्ड तो डिजर्विंग है, नेशनल अवार्ड डिजर्विंग है। गली बॉय, केसरी, कबीर सिंह के बाद सुपर 30 एक धमाका, एंड उरी, ये 5 पिक्चर में से ये काउंटेबल है, एकदम मस्त। ओवरऑल जाके देखो फिल्म, बहुत ही धमाका है एंड हीरोइन कम प्रेजेंस है लेकिन मज़ेदार है। मृणाल ठाकुर तो पर्दे फाड़ दिए ले, अभी जो अनन्या पांडे, सारा अली खान, ये लोग हैं ना, इनके सबके मुंह पे पर्दा डाल दिया उसने, उनकी स्टाइल, उनकी एक्सप्रेशन, स्माइल, एवरीथिंग एकदम मस्त। थिएटर में अगर थिएटर क्या कहीं पे भी देख लो, उनको देख के ना मुर्दा भी नागिन डांस करे, मैं तो मुंह पे बोलता हूँ, इतना ज़बरदस्त कम प्रेजेंस में एकदम मस्त, एकदम मज़ेदार। मूवी के डायलॉग, एक ही डायलॉग है, डायलॉग और डालना चाहिए था, और डायलॉग डालना चाहिए था। राजा का बेटा राजा बनेगा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। पर मुंबई जैसे शहर में राजा के बेटे बहुत गोचू है, ये सबको पता चलता भी। एंड ये फिल्म उन लोग के लिए है भी जो बहुत अपने आप में करते हैं ना व्हाट्सएप डूड ये और सब करते हैं ना, उनके लिए तमाचा है। जाओ देखो इंग्लिश का क्या तोड़ मोड़ करके दिखाया, सीधा मुंह पे स्लैप है, व्हाट्सएप डूड पे सीधा आ जाए, बड़े भाई ये चोमू इधर आए, ये सब चालू हो जाओगे आप लोग, ऐसा हो जाएगा सीधा। रियल आनंद कुमार के लिए क्या मैसेज होगा? फिल्म के एंड में आनंद कुमार का ग्लिम्स एकदम साइड में दिखा है, ऐसा भी नहीं किसी पोस्टर दिखा है, चलता हुआ दिखा फुटेज। एंड वो दोनों ऋतिक का एंड ये आनंद कुमार दोनों फुटेज साथ में चलता हुआ देखा, वो एकदम ऐसा लग रहा था कि बाप रे बाप, हम लोग आनंद कुमार को ही देख रहे थे पूरे पिक्चर में, एंड एंड में आनंद कुमार देखा, वो एकदम मस्त है, एकदम मस्त है। वो 2 मिनट का ग्लिम्स रहेगा और बहुत मज़ेदार, बहुत मज़ेदार पिक्चर, देखना चाहिए सबको जाके, स्टूडेंट्स को देखना ही चाहिए। हाँ बंक करो, जो करना है करो भाई, एक दिन प्रभाव पड़ेगा, लेकिन इधर तुम पे प्रभाव पड़ेगा, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, जाओ देखो एकदम सीना फाड़ पिक्चर, एकदम मस्त। 5 में से पिक्चर के लिए 4, क्योंकि बैकग्राउंड एंड कुछ कुछ सीन्स थोड़ा लेंदी ले गया, बट मज़ेदार है, बट पिक्चर के लिए 4 स्टार, मस्ट 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 वॉचेबल, एकदम धमाका। थैंक यू।